क्या समर में सेक्स ड्राइव ज़्यादा होता है? समर में सेक्स करना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, क्या समर में सेक्स प्रोहिबिट करना चाहिए या करना चाहिए? इसके बारे में काफ़ी सवाल हमको आते रहते हैं, उसका जवाब मैं आज ये वीडियो में देने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 10 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वैसा देखा जाए तो विंटर सीजन जो है, ठंड का मौसम, ये बहुत अच्छा माना जाता है सेक्स के लिए, क्योंकि उस समय टेस्टिकल जो है उनको है ना वातावरण ठंडा चाहिए, तो वो अच्छे रहते हैं और कोई प्रॉब्लम रहता नहीं। मगर बहुत ज़्यादा ठंडी जो इलाके में हैं वो ठंड में ये एक्टिविटी करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अपना लिंग सिकुड़ गए हैं ठंड के मारे और वो सेक्स कम करते हैं। तो ये अपना अपना चॉइस है। एक्चुअली अच्छा सीज़न जो माना जाता है वो समर में माना जाता है। उसके कारण कौन से हैं? एक है कि समर में हीट रहती है, बॉडी में हीट है, वातावरण में हीट है, गर्मी है, तो उसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है बॉडी में और वैसा ही पेनिस में होता है, तो स्पॉन्टेनियस इरेक्शंस ज़्यादा होते हैं। नेचुरल जो टाइटपन आता है वो नॉर्मली आते रहता है दिन भर में। नंबर दो, एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन, इसका सिक्रीशन ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग ज़्यादा बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, घूमने फिरने जाएंगे, समर वेकेशन रहती है तो घूमने फिरने जाते हैं। अच्छा, घूमने फिरने जब जाते हैं तो सोशलाइजिंग ज़्यादा होता है, सोशलाइजेशन ज़्यादा होता है, तो उसमें इच्छा बढ़ जाती है। नंबर तीन, धूप ज़्यादा होने से, सनलाइट में लोग यदि रहते हैं, ज़्यादा धूप में रह रहे हैं, तो विटामिन डी मिल जाता है सनलाइट से, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में काम में आता है, तो उससे भी फायदा होता है। फिर नेक्स्ट जो है पॉइंट, वो है कि शारीरिक श्रम धूप काले में ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे कि लोग ट्रैकिंग के लिए जाते, छुट्टी रहती समर की, ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, वेकेशन में बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, बाइकिंग करते हैं, तैरना चालू हो जाता है, तो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती है छुट्टियाँ आए तो उससे फिर ज़्यादा सेक्सुअल पावर ज़्यादा बढ़ती है, एंडोर्फिन बढ़ते हैं, सेरोटोनिन बढ़ते हैं, और उससे ज़्यादा फिट आदमी लगने लगता है, उसको सेक्स पावर भी अच्छी बढ़ जाती है। तो ये कारण कि सेक्स समर में क्यों ज़्यादा होता है। समर में वैसे ही आपको तबीयत अच्छी रखना है और सेक्स अच्छा करना है तो कम से कम 4 लीटर पानी रोज़ पीना चाहिए, नींद अच्छी होना चाहिए। क्या होता है कि दिन बड़ा रहता है तो लोग कम सोते हैं समर में, तो नींद भी अच्छी होना ज़रूरी है, और पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो पसीना जब आता है तो पार्टनर नहीं चाहता है कि पसीना है, शरीर को बदन को बांस आ रहा है पसीने का, तो वो नहीं चाहते, तो सेक्स के पहले स्नान करना ज़रूरी है, दोनों साथ में स्नान करें तो अच्छा ही है, और बॉडी के ऊपर स्प्रे मारो, बॉडी स्प्रे करना है, और ये करते हैं तो डेफिनेटली सेक्स में मज़ा भी लूटना पॉसिबल है। तो ये वीडियो में इतना ही है। इन शॉर्ट क्या है कि समर भी अच्छा होता है और समर में अच्छी सेक्स की ड्राइव बढ़ सकती है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।